गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। हम पहुंच गए हैं अगरतला में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। आज सवेरे हम चले हैं आइजोल से और 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी बस। और छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन देखिए साफ सुथरा अच्छा है एयरपोर्ट। एंड एज यूजुअल एनके हैज़ डिसअपीयर। वो मुझे कहीं ढूंढ रहे होंगे और मैं उन्हें कहीं ढूंढ रही होंगी। मैं इनको सब जगह ढूंढ रही थी और यहाँ कुछ ऊपर पढ़ के नीर महल पैलेस के बारे में पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो। बाहर निकलते ही त्रिपुरा टूरिज्म का छोटा सा कियोस्क दिखा है, कुछ ऐसा सा एयरपोर्ट है। अच्छा है बाहर से ये अगरतला का एयरपोर्ट बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। सामने भी काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है, प्लेजेंट सा है। 12 बजे पहुंच गए हम होटल एनके, कर रहे हैं चेक इन और मैं ज़रा चारों तरफ देख रही हूँ कि कैसा होटल है। अरे वाह, सामने मुझे ये देखिए कैफ़े कॉफ़ी डे दिख गया। तो ये है हमारा अगरतला का होटल, होटल एयर ड्रॉप, एयरपोर्ट के एकदम पास है। हार्डली 5-10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट और रूम तो अच्छा लग रहा है। वी हैव जस्ट चेकड इन। पौने 2 बजे हम होटल से निकल गए हैं यहाँ अगरतला की साइट सीइंग करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ का उजियंता पैलेस देखने, जो सवेरे 11 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। ये पैलेस के सामने ही लिखा हुआ है आई लव अगरतला और ये है मेन गेट। गाड़ी इसके आगे नहीं जाती है, यहाँ से आपको फिर थोड़ी दूर पैदल जाना हो तो। ये देखिए कितना ऊँचा ये लगाया हुआ है, ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग है। पैलेस अब एक म्यूजियम है, टेकन केयर बाय त्रिपुरा स्टेट। यहाँ इंडियन टिकट इज़ फॉर 20 रुपीज़ एंड फॉरनर्स का टिकट है 250 रुपीज़ का। स्टिल कैमरा का चार्ज है 20 रुपीज़ और प्रोफेशनल वीडियो कैमरा 100 रुपीज़। हम पहुँचे हैं त्रिपुरा के अगरतला में और ये है यहाँ का रॉयल पैलेस। अब तो यहाँ का ये एक स्टेट म्यूजियम है और ये देखिए ये म्यूज़िक यहाँ पे हमेशा, मेरे ख्याल में बंगाली सॉन्ग्स हैं जो हमेशा यहाँ पर ये बजा रहे हैं। ये स्टैचू है महाराजा राधा किशोर माणिक्य देव वर्मन का, जिन्होंने ये पैलेस बनवाया था 1901 में और इसके बनाने में उस समय 10 लाख रुपए का खर्च आया था। ऊपर 3 डोम है और बीच में देखिए जो खूब बड़ा सा डोम दिख रहा है, इसकी हाइट है 86 फीट। आर्किटेक्ट थे इसके सर अलेक्जेंडर, जो मार्टिन एंड बर्न कंपनी में काम करते थे। तो ये शुरू से ही त्रिपुरा के महाराजा का पैलेस रहा था अंटिल 1949 में, जबकि त्रिपुरा इंडिया का हिस्सा बन गया था। बाद में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 25 लाख रुपए में ख़रीदा था 72-73 के बीच में। 2011 तक यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी। 2011 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और 2013 में इसको स्टेट म्यूजियम बना दिया गया। 2013 में इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हामिद अंसारी ने। इसको मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस बोला जा सकता है और म्यूजियम। और बाहर से देखने में लग रहा है देयर इज अ नाइस मिक्सचर ऑफ मुगल, ब्रिटिश एंड रोमन स्टाइल हियर। ये बीच में पूरा यहाँ फाउंटेन और वाटर चैनल होती होगी उन दिनों में। अब यहाँ काफ़ी काम चल रहा है, रिनोवेशन वर्क चल रहा है। ये उजियंता पैलेस यहाँ का अगरतला का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, इट्स ह्यूज। ये हम अंदर नहीं गए हैं, बाहर से ही देख रहे हैं और देखिए कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ, फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। मैं देख के आती हूँ अंदर क्या है, फिर आपको बताएंगे अंदर हमने क्या देखा। देखिए इधर तो मेनली म्यूजियम थे जिधर हम गए थे। डबल स्टोरी बिल्डिंग है ये और जो प्रेजेंट महाराजा हैं वो भी इसके एक पार्ट में अभी भी रहते हैं। देखिए गाने तो बहुत ही सुंदर बजा रहे हैं, मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं बट म्यूज़िक तो खैर इंजॉय कर ही रहे हैं। तो हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं एंड इट्स ए ह्यूज म्यूज़ियम, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें कि त्रिपुरा के बारे में ही नहीं पूरे ही नॉर्थ ईस्ट का इन्होंने कल्चर, लाइफस्टाइल और उनका कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या क्राफ्ट्स यहाँ के मशहूर हैं। तो काफ़ी समय, इसमें एक घंटा तो आप आराम से बिता सकते हैं। पुराने समय से लेकर के
कैसे ट्राइबल यहाँ रहते थे जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, कैसे उनकी हट्स होती थी, किस तरह के कपड़े पहनते थे, और उसके साथ ही अभी तक भी क्या क्या फेस्टिवल मनाते हैं, डिफरेंट डांस जो हैं अलग अलग स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट में, उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं। तो उसमें बिहू भी आ गया है, मणिपुरी डांस भी आ गया है, उसके साथ ही सब अलग अलग स्टेट की औरतें जो हैं और आदमी जो हैं किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और जब उन्हें एक साथ दिखाते हैं ना तो यू कैन सी द डिफरेंस। हम लोग तो वैसे ही सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो लगता है कि एक ही तरह के कपड़े और वो हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। एक गैलरी में यहाँ पे वो भारत बांग्लादेश की जो वॉर हुई थी 71 में, उसके बारे में भी पूरे डिटेल दिए हुए हैं। फिर यहाँ के जो महाराजा थे जो माणिक्य डायनेस्टी के थे, उनकी डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री है कि हाउ इट वाज स्टार्टेड और कब तक उन लोगों ने रूल किया। फिर फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट महाराजास, उनकी रानी लोगों की भी फोटोग्राफ्स थी। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम लगा मुझे। पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा म्यूज़ियम होगा। इसमें पुराने स्टोन स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं, 9th, 10th, 11th सेंचुरी के स्टोन स्कल्पचर हैं, कार्विंग है, देयर इज़ अ ब्रास गैलरी। कहीं ये दिखाया गया है कि आदिवासी लोग किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे। इनकी वुडन गैलरी तो बहुत ही इम्प्रेसिव थी, कैसे एक सिंगल पीस के वुड से कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। देन देयर वाज अ टेक्सटाइल गैलरी जिसमें बताया गया था कि कैसी कैसे ये लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं। उसके साथ ही डिफरेंट स्टेट्स में जो कपड़े पहने जाते हैं वो डिस्प्ले पे थे। तो खाली त्रिपुरा के नहीं, नागालैंड, मिजोरम के, हर जगह के थे नॉर्थ ईस्ट के, और उनका लोकल नाम भी था साथ में कि इनको क्या कहा जाता है। पूरी बड़ी सी गैलरी इज़ डेडिकेटेड टू रविन्द्रनाथ टैगोर ओनली। इसमें पूरा बताया है कि कैसे उनकी रॉयल फैमिली से दोस्ती हुई। एक्चुअली जो पहले महाराजा थे जिन्होंने ये पैलेस बनाया है, राधा किशोर जी, उनसे उनकी दोस्ती हुई थी और दोनों करीब करीब सेम एज के थे। उसके बाद 7 times रविन्द्रनाथ टैगोर विजिटेड दिस पैलेस। अंदर ये भी पता चला पढ़ के कि और आसपास यहाँ पे क्या जगह हम घूम सकते हैं। वैसे हम यहाँ 3 दिन रहने जा रहे हैं तो हमारा तो ऑलरेडी आइटिनरी फिक्स्ड है, हम जो मेन जगह देख पाएंगे, लेकिन शायद हम थोड़ा और स्टडी करते तो हम उन जगहों पे जा सकते थे जहाँ पे एक्सकवेशन में 9th, 10th, 11th सेंचुरी के स्टोन स्कल्पचर मिले हैं, बुद्धा की इमेजेस वगैरह मिली हैं, और इतने सारे ट्राइब्स के बारे में जानकारी थी। कोई चाइना से आया हुआ है, कोई बर्मा से आया है, और यहाँ के लोगों की साउथ ईस्ट एशिया के लोगों से, इंडोनेशिया वगैरह से, बर्मा से काफ़ी कल्चरल सिमिलरिटी है। यहाँ आने पर ये लगता है कि हमारे देश में कितना कुछ देखने को है। आई लव अगरतला। सामने यहाँ के क्रांतिकारियों की या फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू हैं। वो लेफ्ट में तो है खुदीराम बोस, और ये कौन है नरेंद्र? मास्टर दास सूर्यसेन। इधर है ये मास्टर दास सूर्यसेन और वो है खुदीराम बोस। बहुत ही सुंदर पैलेस है ये, और अगर आप अगरतला आते हैं तो इसको ज़रूर देखिए। पहले से चलकर हम आए हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को देखने, जगन्नाथ मंदिर। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू भगवान जगन्नाथ जी, बालभद्र एंड सुभद्रा। और ये मंदिर त्रिपुरा के महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 19th century में बनवाया। ये है मंदिर, सुंदर सा मंदिर है, वेरी कलरफुल, लेकिन लगता है अपने देश में फॉरेन लैंड में जैसे आ गए। राइटिंग यहाँ सारी बांग्ला में है। तो चलिए पहले मंदिर में दर्शन करके आते हैं। जो बंद है मंदिर, शायद 4 बजे खुलेगा, लेकिन 4 बजे तो हमने पहुंचना है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट देखने। तो चलिए तब तक पूरा कॉम्प्लेक्स घूमकर देखते हैं, जो बहुत ही कलरफुल लग रहा है। कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ बहुत ही सुंदर कृष्ण लीला दिखाई गई है। मंदिर में खूब ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं, और ये देखिए चारों तरफ धर्मशाला है जहां आप रुक सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से चल के 20-25 मिनट में 4 बजे हम लोग पहुंच गए हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट देखने। हम आए हैं भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे यहां शाम को जो परेड होती है उसे देखने के लिए। और देखिए अब ये लाइन है, मैं जा रही हूँ लाइन ज्वाइन करने। सामने दिख रहा है गेट और लाइन में भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं।
तक लाइन में लगे हैं तो समय का सदुपयोग करते हुए सोच रहे हैं कि आपको दिखा दें कि ये वॉल में कैसी पेंटिंग्स हैं, और ये तो लग रहा है कि तेजस बनाया हुआ है। तो ये हम लोग लाइन में से निकल के अब गेट के आगे आ गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे लाइन इसलिए लगती है क्योंकि ये लोग सबका आई कार्ड लेते हैं, कुछ भी आपका जो हो, जैसे हम लोग आधार कार्ड दिए तो ग्रुप, अगर 5 लोगों का ग्रुप है लेकिन एक आदमी के आधार कार्ड से काम चल जाता है, उसका भी आई कार्ड है वो लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं, तो उसी लिए थोड़ी देरी लगती है। और पहले तो ये रोज़ हुआ करता था, फिर कोविड समय में बंद हो गया था और ये अब खाली सैटरडे संडे को होता है, रोज़ नहीं होता है। अपने बगल में बाघा बॉर्डर तो अभी तक जा नहीं पाए देखने, तो लकीली आज तो हम लोगों का इट वॉज़ नॉट प्लान्ड एज सच, हम यहाँ पे सैटरडे को आए हैं तो हमें देखने को मिल गया, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड, है ना। वैसे ही इज नेवर एक्साइटेड। ये देखिए लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर योर विजिट। मंदिर बना हुआ है शनिदेव शंकर भगवान। देखिए ये है बॉर्डर, इधर कुर्सियां हैं जहां हम बैठ सकते हैं। जोश देखिए लोगों का जरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बॉर्डर, उस पार बांग्लादेश के लोग हैं और ये पीछे देखिए इधर इंडिया के सब लोग हैं। देखिए वो लोग हैं जो अगरतला से बांग्लादेश जा रहे हैं, पेपर वगैरह इनके यहाँ चेक होते हैं। कि उस पार बांग्लादेश के लोग दिख रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर भी, और ये इधर हमारी तरफ के लोग खड़े हैं। ये बीटिंग रिट्रीट यहाँ बॉर्डर पे शाम को सनसेट के समय होती है, जिसमें झंडा उतारा जाता है। एंड दिस सेरेमनी सिंबलाइजेज द फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। देखिए यहाँ झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ दोनों देश के झंडे उतारते हुए देखे जा सकते हैं, पीछे बांग्लादेश का झंडा दिख रहा है और सामने हमारा तिरंगा। फ़ोटो एकदम से हम साफ़ यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, अगर मैं खड़ी हो सकती तो ज़्यादा साफ़ फ़ोटो आ सकती थी क्योंकि, लेकिन हमारे पीछे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं तो उनका व्यू ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए बैठे बैठे ही फ़ोटो लेके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कैसे झंडा फोल्ड कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि ऐसे फोल्ड होता है झंडा।
की जय, माता की जय, माता की जय, मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो ख़त्म हो गई है और जो गार्ड थे वो वापस जा चुके हैं। मेरे पीछे आप उधर देख सकते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर और यहाँ पर इस तरफ को ये BSF है हम लोगों की तरफ से, उधर से बांग्ला राइफल्स होती है जो इस सेरेमनी में आते हैं। इस तरफ से तो हम लोग पूरा बैरिकेड पर ही आ चुके हैं। सनसेट का समय हो रहा है तो ऊपर आसमान में बहुत सुंदर ऑरेंज ऑरेंज सा कलर हो रहा है क्लाउड्स का। बहुत 4:30 बजे सेरेमनी शुरू हुई थी और करीब 10-15 मिनट की होती है, 4:45 बजे ख़त्म हो गई है। वी आर स्टिल वेटिंग कि शायद कुछ और देखने को मिल जाए। गार्ड तो दोनों तरफ के जा चुके हैं और लेकिन सबसे अच्छी बात तो थी कि पब्लिक का जोश यहाँ देखने लायक था। क्या जोरों से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि अभी जब BSF के जवान और ऑफिसर्स चले गए हैं, उधर की जो सारी जनता थी वो बैरिकेड तक आ गई थी और इधर के जितने भी लोग हैं देखिए वहाँ पे गए हैं, मुझे नहीं मालूम उनसे हैंडशेक करने गए हैं लेकिन हाँ कैमरे तो सबके चमक रहे हैं, सब एक दूसरे की फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ पर। तो मैं भी काफ़ी पास आ गई हूँ जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों तरफ से उधर के लोग भी आ गए और इधर के लोग भी एकदम बैरिकेड तक आ गए हैं और मेरे ख्याल में फ़ोटो ही ले रहे हैं। ये अब गार्ड कह रहे हैं कि आप एक एक की फ़ोटो ले चुके हैं, अब चलिए यहाँ से। सब लोग आए थे तो सबका देखा, देखिए मैं भी एकदम बैरिकेड तक आ गई हूँ और उस साइड से भी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए थोड़ा हम कोशिश करिए बांग्लादेश के लोगों को दिखा देते हैं आपको। जब तक ये मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चलती है तब तक जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं उनको यहीं पे रोक दिया जाता है। यहाँ ये है कि सेरेमनी के बाद आप जा कर के इन BSF के जवानों के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी साइड के जो गार्ड्स थे यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, हम लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग आए हैं कि मैं सबकी तो नहीं ले सकती हूँ लेकिन हाँ 2-3-4 फेसेस खाली नज़र आ रहे हैं इसमें। और देखिए यहाँ पे फिर 30 रुपये जाते जाते हमने कहा चलो समोसा चाय भी ले लेते हैं, तो ये 2 समोसे रखे हमारे और ये आ गई चाय। और ये ना चले गए थे आगे तो मैंने बुलाया तो कह रहे थे किस लिए आना है क्या है, मैंने कहा चलते हैं चाय पीने। और ये लास्ट 2 समोसे बचे थे हमारे हिस्से के जो हमें मिले हैं। कैसा है? ठीक है। और मुझे तो चाय समोसा में भी बहुत मज़ा आया। 24 रुपये में हमने 2 चाय और 2 समोसे खाए। चाय भी बहुत अच्छी थी और समोसा तो पूछो ही नहीं कितना अच्छा था, मज़ा आ गया। चलो अब वापस चलते हैं। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे है स्कॉर्पियो 3814। अगरतला के इस वीडियो को हम इस इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए द रोविंग स्प्रिट। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.